जैसे जैसे मैं बताना चाहूंगा, हमारी कल 25 मई को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारी ऐप के बारे में बताया गया था। ओके हाँ जी सर, अब हम वही आपको बताना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया गया। सर, हाँ जी हाँ जिसे 35 से ज्यादा मीडिया कंपनी से कवर किया था, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे कि दैनिक भास्कर, फास्ट वे न्यूज, द ट्रिब्यून, अमर उजाला, ऐसे ही 35 और कंपनियों ने कवर किया था हमारा ये प्रेस ओके कॉन्फ्रेंस में। ठीक है सर, आप ये क्लिप भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट जी हर एक पेपर की। ठीक है सर। मेरे पास पॉपुलरिटी हाँ जी, पॉपुलरिटी उन्होंने सर हमसे वो सवाल पूछे थे, जैसे कि पहला सवाल था पेरू नाम कैसे आया। ठीक है सर, तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे ओनर मिस्टर एमके पेरूमल, उनका नाम पेरूमल है फर्स्ट नेम, तो उनके पेरूमल नाम से पेरू ले लिया गया है। ठीक है सर, तो इससे ऐसे पेरू आया, ये हमारे फाउंडर एंड सीईओ है। ठीक ठीक है सर है सर, फिर दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा, पेरू कैप्स क्या है, पेरू कैप्स क्यों क्यों आया। ठीक है आया सर, तो क्यों आया, रीजन क्या था। तो पहला कारण था कि जो सर जो हमारे थे मिस्टर एम के पेरूमल, उन्होंने ऊबर में भी काम किया है पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने खुद एक ऊबर ड्राइवर से इस तरह काम किया। उन्होंने देखा कि एक ऊबर ड्राइवर 12 से 16 घंटे चलाकर भी उनका ना ही मेंटेनेंस निकल रहा था, ना ही EMI निकल रहा था। सही बात है सर ये, आप बिल्कुल 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 ठीक है सर हाँ जी सर ये मानते हैं ना। सही है, पहला कारण ये है हाँ तो उबर का बिल्कुल आने का। ठीक है सर, और दूसरा कारण है कर्जा बाजारी, मतलब कर्ज बहुत हो जाता है हमारे ऊपर। बिल्कुल हो जाता जी हाँ जी, बहुत कर्ज आ जाता है, मतलब कभी EMI चल रहा है, कभी कोई लोन चल रहा है, कुछ चल रहा है, फिर हर 4 5 7 बार फिर गाड़ी बदलनी पड़ती है, तो और कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, और सर हमारा तीसरा कारण है फुल टाइम काम करके भी घर और बच्चों को के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, नहीं होते सर बिल्कुल नहीं सही होते है ना सर। यही यही चल रहा है कि हम इतना काम 12 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, और महीने फिर पूरे 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी भी नहीं ले रहे, तब भी हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। बस बिल्कुल कोई दिवाली दशहरा नहीं मनाते हमेशा ड्यूटी 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 लगी रहती है फिर भी यही देखिए, कोई छुट्टी नहीं मनाते, कुछ नहीं, 24/7 चलते हैं, तब भी ये हाल है। अब हाँ जी चौथा हाँ जी कारण है अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स को अच्छे बुरे समय में टाइम नहीं दे पाते, कोई शादी है कुछ है, वहां पे जाना आने जाना ही बहुत हो जाता है, फैमिली में टाइम नहीं दे पाते, नहीं नहीं दे पाते सर दे। और पांचवा कारण, और कोई भविष्य नहीं है इसमें, तो भी कुछ नहीं पता हमारा क्या होगा, कुछ नहीं आज गाड़ी चला रहे हैं कल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी रिस्क बहुत है, आपको बताइए, कोई बिल्कुल बिल्कुल ड्राइवर का कोई लाइफ नहीं खासकर वो वो बोले नहीं हाँ है, कोई तरक्की नहीं, जी रिस्क बहुत है। और छठा कारण है कोई इज्जत भी नहीं देते, कस्टमर की नजर में हमारी कोई ऐसी इज्जत भी नहीं है, मानते बिल्कुल हैं राइट है सर। हाँ जी सर, ये कुछ कारण है जिस वजह से पेरू कैब्स मार्केट में आया है। हाँ हम जी पेरू कैब्स का ये मानना है कि हम इन सब इश्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, और ठीक उन्होंने है सर एक हाँ सवाल और पूछा कि हमारा USP कि हम ओला उबर से कैसे अलग है। जी हाँ जी सर, तो हमारा पहला है रेफरल मार्केटिंग, जो एक माउथ पब्लिसिटी टाइप मार्केटिंग है, कि जिसे आपको पता होगा, एक ड्राइवर को रेफर करने पे आपको 200 रुपये का बोनस मिल जाता है। हाँ जी सर, वो रेफरल मार्केटिंग है। और जो बाकी ओला उबर कंपनी जो है वो क्या कर रही है, इन्वेस्टर से पैसा लेकर अपना कंपनी चला रही है, और हम जो है हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, कंपनी ड्राइवर और कस्टमर के बेस पे ही हमारा बिजनेस चल रहा है। और ओला उबर का ऐसा है ना सर, उनका है इन्वेस्टर के साथ, उनको पैसा देना होता है इन्वेस्टर्स को, तो ज्यादातर पैसा इन्वेस्टर के पास चला जाता है जो ड्राइवर के पास आना चाहिए। हमारे केस में ऐसा नहीं है, इस मायने में हम ओला उबर से अलग हैं। ठीक है सर, ठीक है और सर क्या हम, और उन्हें एक क्वेश्चन और पूछा था हमसे कि हम सेफ्टी में क्या दे रहे हैं एज अ कैब। तो सर हमारे जो ऐप है उसमें इमरजेंसी नंबर अवेलेबल है, मतलब आप क्लिक करेंगे तो इमरजेंसी पे एकदम से पुलिस को करना है, फायर करना है, एम्बुलेंस है, उस पर एकदम कॉल लग जाएगा। राइड हाँ जी शेयरिंग ऑप्शन दे रहे हैं, और एक पैनिक बटन है जो एक STA अप्रूव करता है, मतलब जो हमारी जो कंपनी है STA से वेरीफाइड है। चंडीगढ़ एसटीए से वेरीफाइड है ठीक हाँ जी सर, चंडीगढ़ STA से वेरीफाइड, इसका लाइसेंस है हमारे पास सर, है सर ठीक है ट्राई सिटी में टैक्सी चलाने के लिए।
ठीक है सर, बढ़िया है सर। हाँ जी सर, एक उन्होंने पूछा आप तुम ओला उबर से कैसे अलग हो, ओला बिजनेस के वे में, मतलब तुम्हारा कैसे जनरेट होगा बिजनेस। तो ओला उबर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं विद वन इनकम, उनके पास एक ही इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एक ही इनकम दे रहे हैं, और हम जो है पेरू कैब आपको रेफरल फॉर्मेट दे रहे हैं, उसके साथ 12 इनकम और दे रहे हैं। ठीक ओके है सर, जैसे कि आपका डायरेक्टर बोनस है, ईएमआई फंड है, और भी बहुत ऐसे 12 इनकम हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पेरू कैब से, और ओला उबर सिर्फ आपको सिंगल इनकम देता है, हाँ जी, हाँ जी, एंड हम आपको मल्टीपल इनकम दे रहे हैं। सर और सर रेफरल उन्होंने, हाँ कोड, सर जी हाँ जी सर पूछिए। हमारे इस ऐप में मिल जाएगा? ठीक हाँ जी सर आपको मिल जाएगा। है जी। अच्छा एक एक क्वेश्चन और सर, सर ये हाँ जी सर, जो पेरू एप्लीकेशन में जो वॉलेट बना हुआ, वॉलेट में पेमेंट मैं ऑनलाइन डाल सकता हूँ? हाँ जी सर आप डाल सकते हैं कितनी पेमेंट डाल सकता हूँ कम से कम, छह जिसमें सौ मेरा रुपये सर कितना? अगर आप 600 रुपये, 600 रुपया मिनिमम। ठीक है जी, हाँ जी आप 600 रुपये अगर उसमें वॉलेट में डालते हैं तो आपको 2400 रुपये की राइड मिल जाएगी सर, 2400 रुपये की आपकी राइड ले सकते हैं। ठीक सर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। और सर बस एक हमारा, वही हाँ जी सर, हाँ जी, सर, फिर ये अपना राइड अभी स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ा भी टाइम लगेगा और? नहीं सर राइड हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, लॉन्च हो ठीक है, चुकी ठीक है पूरी तरह, बस आपको है जी। हमेशा अपना ऐप लॉगिन रखना है और अपडेट, आपका ऐप अपडेट है अभी तो सर? हाँ मेरा ये अपना अपडेट है पूरा। या आप एक बार ऐसा कर ले, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर ले, अच्छा ठीक है जी। एक बार ऐसा कर लेना फिर आपको स्मूथली राइड आ जाएंगी। वैसे सर मैंने इस ऐप को डाउनलोड करके इसको अनइंस्टॉल कर दिया था, आज मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है ओके सर, अच्छा आपने आज ही किया है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आपने आज ही अपडेट किया। हाँ आज ही मैंने लिया है तो ठीक है हाँ जी। गुड, हाँ फिर तो ठीक है, फिर ठीक है सर, फिर ठीक है जी। ठीक है सर। सर एक हमें फीडबैक के लिए मिला जो मीडिया कर्मी आए थे उनकी तरफ से कि वे खुद सुपर एक्साइटेड हैं पेरू कैब में एज अ कंसल्टेंट बनने के लिए, जिससे कि वो खुद एक इनकम का जरिया बन सकते हैं, कि हाँ जी, हमारे में ऐसा है ना कि एक ड्राइवर भी कंसल्टेंट बन सकता है जो 12 इनकम्स है, वो ड्राइवर भी ले सकता है और एक कस्टमर भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर तक सीमित है कि ड्राइवर ही 12 इनकम तक पहुंचेगा, ये एक कस्टमर भी 12 इनकम ले सकता है रेफर के थ्रू, रेफर करने पर। ओके। तो हाँ जी सर, सर हम इस पर हाँ कस्टमर जी, को भी कर सकते हैं? हाँ जी सर आप कस्टमर को भी ऐप डाउनलोड करा सकते हैं, वो भी आपका वो मिल जाएगा आपको, रेफरल उसका भी अच्छा, रेफरल मिलेगा। कोड कोई होगा मेरा? हाँ जी सर, आपका पीसी नंबर होगा सर, आपका पीसी नंबर, पीसीए, PCA। हाँ जी पीसीए नंबर और रेफरल नंबर होता है ठीक है जी। आपके। ठीक है सर, हाँ जी, अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास राइड स्मूथली आ सके, पहले जैसे कि आपने ऐप आप अपडेट कर ही चुके हैं अपना पहला काम तो, हाँ जी, और दूसरा है वॉलेट को जो आपने पूछ ही लिया पहले कि वॉलेट को रिचार्ज रखना है, कि वॉलेट में जीरो नहीं रहना चाहिए तो आपको सर राइड नहीं आएंगी, हाँ हाँ वही वही पूछ रहा था मैं। ना आपको रिचार्ज जल्दी जल्दी अपना रिचार्ज कर लेना है 600 रुपये का मिनिमम। ठीक है सर, आज कर देंगे। ठीक हाँ जी सर, और ऑनलाइन रहना है हमेशा, ठीक है है जी, ठीक सर, जब भी सर, आप वर्किंग में हैं तो अपनी ऐप को ओपन करके रखना बैकग्राउंड में, जिससे कि आपको स्मूथली राइड आती रहेगी सर। सर इसका बेस फेयर क्या है? बेस पे सर आपका 20 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा, 20 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा सर आपको, ओके ओके, ठीक और जो है। बेस फेयर है वो 100 रुपीज है, मतलब कम से कम 100, आपके पास कार है ना सर, कैब कैब ड्राइवर है आप? सर मैं कैब ड्राइवर ही हूँ। हाँ जी, तो मिनिमम आपका 100 रुपीज रहेगा। ठीक सर, ठीक हाँ जी, अच्छा है जी। सर आपके पास अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया था सर जूम मीटिंग के लिए ऐप पर हाँ जी, हाँ जी, आया था ना? ठीक है सर, आज वही कंफर्म। ठीक सर, ठीक ठीक है सर, है जी। और कोई क्वेश्चन सर आपके? अच्छा नहीं अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, सर, जब आप रिचार्ज करेंगे तो एक बार ना आपको मैम से बात, अपना स्क्रीनशॉट भेज देना अपना, ठीक है जी सर, कब तक करेंगे रिचार्ज सर आप ऐसे बता देंगे? ठीक अभी थोड़ी देर में कर लेता हूँ, कॉल खत्म है होने के ठीक है बाद। ओके सर, जब भी करेंगे आप एक बार स्क्रीनशॉट हमको सेंड कर देना सर। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू।